और ये तो थंबनेल लाइक फोटो है, बहुत अच्छा है, उम्दा। भाई लोग सुबह के 8 बज रहे हैं और बहुत भूख लग रही है। ये हैंगओवर ब्रेकफास्ट की जरूरत है। क्या बना रही हो अभी? कुछ प्लान तो नहीं है, बट हमारे पास जो जो सामान है वी आर ट्राइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो ब्रेड है, ठीक है, और थोड़ी सब्जियां रखी हुई है मैंने फ्रिज में, और एग्स है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा सैंडविच बनाते हैं, थोड़ा स्टर फ्राइड सब्जी डाल के उसके ऊपर एक 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 सनी साइड अप डाल के और ब्रेड को अच्छे से टोस्ट करके लेट्स मेक अ सैंडविच। ओके, तब तक तुम गाड़ी से आलू ले लो, एक आलू और एक प्याज। या क्या एक या एक गाड़ी से आलू प्याज? हाँ, आपका काले वाले बैग के लिए। हाँ, एक आलू एक प्याज तो गाड़ी से जाने। तो नाश्ता ऑलमोस्ट पक गया है, किसी भी कड़ी आवाज़ आ सकती है। तब तक बाहर बैठ के एकदम, इतना अच्छा वेदर है, ये जो धूप है ये ज़्यादा कड़क नहीं है, और पीछे से जो शेड आ रहा है शेड में बैठ जाओ, इतना अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की सौंधी सौंधी सी हवा चल रही है तो अच्छा फील हो रहा है। ये देखो गाड़ी को अच्छे से एकदम शेड में पार्क कर दिया है, पहले यहाँ पार्क थी, फिर उसको काफ़ी सुबह सुबह उठा के मैंने यहाँ पार्क कर दी, वरना वो उबल रही थी। क्या खाना बन गया है? बन गया। सेटअप भी कर दिया है। टेबल लग गया? हाँ। टेबल लग गया? हाँ। ब्रेकफास्ट डेट अपना। खाओ। खाओ और बताओ कैसा है। बंद कर दिया। ओहो, चल देखने को अच्छा लग रही है। रूह अफ़ज़ा है। क्या सुनता है? ये क्या है? मैक्रॉन्स, ये डेजर्ट है। ओके। खाते हैं। चलो भाई। ओहो हो भाई, पहली बार कैंपर वैन में, क्या कैंपर ट्रेलर में करें, इसके बाद आइसलैंड में जब करेंगे और भी चल जाएगा। तो अभी हमें एक अच्छे लुकआउट पॉइंट के बारे में पता चला है। यहाँ से पास में एक वाटरफॉल है जो अराउंड 30 किलोमीटर है, तो वही जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। तो चलो आप भी हमारे साथ। इसको निकालने का समय आ गया।
Yeah. It's free. Oh, it's free. Okay, and what is the ticket for? It's for Via Ferrata, like climb the. Okay, then it's fine. Yeah, thank you. और देखो तो क्या क्या है इस जगह का नाम है क्या है क्या है यार वो मैं भी ढूंढ रहा हूँ ये सब फ्रेंच में लिखा हुआ है शूट शूट अ फिलोमीन है अ फिलोमीन क्या शूट मतलब होता है वाटरफॉल अ फिलोमीन फिलोमीन उसका नाम होगा तो एंट्री फ्री है एंट्री फ्री है अगर आप सिर्फ वाटरफॉल देखने आए हो अगर यहाँ पे एक्टिविटीज करते हो यहाँ पे काफी कुछ है वो रॉक क्रॉलिंग और वो माउंटेन के साइड साइड से चल चल के मुझे पता नहीं एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं पर देख लो इसके पीछे भी देखो ये सब करोगे तो लेकिन ये रिजर्वेशन करा के आना पड़ेगा पहले से अच्छा अब ये भी उसमें अच्छा ये लिखा हुआ है कि गार्बेज सही जगह डिस्पोज करना मतलब वो तो ठीक है मतलब कूड़ा नहीं करना ओ अरे तो ठीक ठाक हाइट पे है रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं हाँ वो वहाँ पे पता नहीं उसमें आ रहा है कि नहीं इधर कर रहे हैं लोग बहुत दूर है ना वाटरफॉल तो मैंने देखा ही नहीं ओहो अच्छा तो अगर हम लोग वो एक्टिविटी करते तो नीचे तक जा सकते थे हाँ हाँ व्यूज तो बहुत अच्छे हैं ओह ये देखो ये ग्लास का है ओह माय गॉड देखोगे तो सिर्फ नेचर ही नेचर है ठीक है और हम अभी एक खाई के ऊपर खड़े हैं लिटरली जहाँ पे इन लोगों ने कुछ मैनमेड कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो हमें पूरा दिख रहा है एग्जैक्टली अगर फॉल होगा तो कितने फूटों का फॉल होगा ठीक है और आस पड़ोस अगर आप देखो तो सिर्फ ग्रीनरी मतलब ये जो अलग अलग शेड ऑफ ग्रीन है ना इसके लिए तो इंसान कुछ भी करेगा उधर देखो फॉल है जो मेन यहाँ का अट्रैक्शन है और वहाँ पे ये है वो फिलोमीन वॉटरफॉल हाँ रेड कलर के जो टी शर्ट में लोग दिख रहे हैं वहाँ पे हेलमेट्स में अगर आप देखोगे ऑरेंज कलर के पहने हुए वो लोग वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं और इधर नीचे एक छोटा सा बना हुआ है जो वो रोप हुए वो भी आप कर सकते हो तो ये सब यहाँ पे फन है करने को मेरे ख्याल से वो वाटरफॉल में नीचे जाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है तो इसीलिए उसी के टिकट के पैसे थे लेकिन ये तो मुझे करना भी नहीं है तो आई एम ओके ऊपर से देख लिया बहुत सुंदर वाटरफॉल है शिव समुद्र की याद दिला रहा है वाटरफॉल नहीं मतलब उस तरफ दिखा जरा ये पाइन ट्रीज और ये पूरा जो ग्रीनरी है बहुत बहुत ब्यूटीफुल मेरे ख्याल से हम लोग जा सकते हैं नीचे तक लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ वो अंकल तो अभी गए थे पूरा नीचे तक आ रही हो अरे रुक गई आ जाओ क्योंकि देखो ये काफी वो है नीचे तक क्यों गिरेंगे भाई आओ आओ वाटरफॉल तक रास्ता है हाँ आओ आराम से फुटिंग पकड़ो यहाँ पे सब सही है वो बढ़िया है रास्ता आ जाओ चलो अब तुम आगे जाओ 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 हाँ यहाँ पे थोड़ा सा जूते का ग्रिप मैटर करेगा संभल संभल के जाना अरे तुम यार पेड़ वेड़ छोड़ो अंधेरे में मेरे को जंगल में देखो डर लगता है जहाँ जो मेरा मोटिव है वो पूरा करो
क्योंकि मैं तुम्हारे चक्कर में यहाँ रुक के मशरूम नहीं देखूंगा, फिर मैं चलता चला जाऊंगा और तुम रह जाओगी। देखो ना इतना मुश्किल नहीं है ना, कहीं तक तो पहुंचाया है इसमें, फॉल तक तो नहीं, फॉल तो बहुत दूर है। पानी तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, हाँ ये शायद मतलब अब हाँ यहाँ तो है तो पानी थोड़ा बहुत। यार ये तो मैजिकल गार्डन जैसा लगा, हर तरफ ऐसे मशरूम्स वगैरह हो रखे हैं और इतना सुंदर था, अलग अलग पता है तीन चार अलग अलग कलर के तो मेरे को दिखी गए थे मशरूम, मतलब मैं आई एम आउट ऑफ वर्ड्स मैन, इतनी ब्यूटी और इतना सुंदर। ओ भाई पानी तो हमने ढूल लिया। ये जो पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है, अब यहाँ से अगर आगे फॉल की तरफ जाना है तो वो माउंटेन क्लाइंब करके जाना पड़ेगा जैसे वो लोग कर रहे हैं, तो वो तो आज हम करने नहीं वाले हैं। भाई मैं तो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है अभी जितना दिख गया फॉल दिख गया, ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉल भी नहीं है, बट ये नेचर के बीच में वैसे मज़ा आ रहा है। So guys, this is another type of mushroom that I saw. और अब चलते हैं हमारे magical forest पे। संभल क्या ना? Easy, easy. Lock. There's another kind here. ये देखो, guys. I love this hike. हेमंत थोड़ा आराम से चल लो। तो अभी हम लोग एक नए व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे थे पर रास्ते में कुछ और अच्छा दिख गया है और एंड में एक पार्क वार्क भी है, यहाँ पे लोग फिशिंग भी करते हैं। हाँ ये फिशिंग स्पॉट है, ये अपने कैंप ग्राउंड के बहुत पास है। अब हम लोग वापस आ गए हैं कैंप ग्राउंड की तरफ और इसके बाद आगे एक एक ब्रिज है, एक कवर्ड ब्रिज है जो कि काफ़ी फेमस है, और वो क्यों फेमस है वो मैं ढूंढ नहीं पाया बिकॉज सारा इन्फॉर्मेशन तो फ्रेंच में था, बट वो अपेरेंटली दिखने में बहुत सुंदर है। कौन सा शॉट आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, कभी कभी तो यही नहीं आ रहा है। चलो देखो पानी बह रहा है कितना अच्छा है। अब ये पानी के एकदम पास तक लेके जा रहा है बीच जैसा कि वो सिर्फ ऐसा ही इतना दूर से ही देख रहा है, वो तो नहीं पता मुझे। चलोगे? सीढ़ियाँ बनी हुई है। ओ हाँ, सीढ़ियाँ तो। लोगों के बैग भी रखे हुए हैं, तो दे रहे हैं नीचे। चलो चलो। ओ हाँ, पूरा पानी तक आ सकते हैं। ले लिया शॉट तुमने? अब वापस चल के उससे क्या नाम है उसका जो हमारा कमाई जो केयर टेकर है, निकोल से लकड़ी ले ले। निकोल से लकड़ियाँ खरीद लें रात को चलाने के लिए। मैंने कल एक ही रात की लकड़ी खरीदी थी, आज की लकड़ी आ गई। देखो मेरा हार्ड वर्किंग पति लकड़ी काट के जंगल से लाया है और इसी पे खाना बनेगा आज फिर से, तो देखते हैं कैसा रहता है आज का। वापस करके आता हूँ। चलो वापस कराओ ये। अब चलते हैं, चलो गाड़ी की तरफ ही चलो, उस लॉक करके आ जाओ हम लोग। हाँ मैं आ रही हूँ लॉक करके।
तो ब्रिज पे तो पहुंच गए हम लोग। अब ये ब्रिज किस लिए फेमस है वो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता भाई, मैंने अरे यार तो ये ब्रिज किस लिए इतना फेमस है ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ये मैंने पता करने की कोशिश तो की थी माशाल्लाह, लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन फ्रेंच में ही आ रहा था, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है और रेटिंग्स भी इसकी काफ़ी अच्छी थी गूगल मैप्स पे, तो मैंने कहा जाके देखते, चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। घरों में डायरेक्ट सीधा पोस्ट नहीं जाता है, तो उनके पास ऐसे अपने लॉकर नंबर्स होते हैं, तो उनको कोई भी चिट्ठी भेजनी होती है, कुछ भी किसी को भी भेजना होता है, पार्सल वगैरह वो सब ये लॉकर नंबर्स पे आते हैं, फिर वो अपने घरों से आते हैं और इनमें से ले जाते हैं। अच्छा हाँ ये सही बताया तुमने। इसी ब्रिज तो सुंदर है और देखो साइड से पानी जा रहा है। ये देखो पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इसके ऊपर से शायद गाड़ी भी जा सकती है, मतलब अब ये आप लोग को शायद कैमरा में नहीं इतना समझ में आएगा कि ये ब्रिज में क्या खास है और इसे व्यू में क्या ही है, मतलब कैमरा पूरा पूरा जस्टिस नहीं करता है, इसको सामने से देखोगे तभी समझोगे, ये इतना रिलैक्सिंग है, इतना सही है। अभी तो हमने बाइनोकुलर से भी जब देखा था तो दूर दूर लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पहाड़ी में ये सब भी दिख जाता है। अभी देखो यहाँ पे लोग समुंदर में फिशिंग कर रहे हैं, पानी में समुंदर में नहीं सॉरी, यहाँ लोग फिशिंग कर रहे हैं। अरे वो तो आई भी तो पीछे फ़ोटो लेने में लग गई है। पर मैं इस ब्रिज को पूरा एंड टू एंड एक बार कवर करना चाहता था, देखूं कि क्या है दूसरी तरफ। तो ये आ गया ब्रिज का दूसरा हिस्सा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोग किधर भी होते हैं, यहाँ पे लोग इसको ग्रफिटी बोल देते हैं। बट कहीं कहीं पे तो कहीं कहीं पे तो ये साफ ही लगता है, कुछ ऐसा ख़राब नहीं लगता, पर कहीं कहीं पे मतलब हमारे देश में तो आपने देखा ही है क्या क्या हो जाता है। हाँ देखो ना यहाँ पे गाड़ी जा सकती है, ये वेट हैंडल कर सकता है ये, भाई यहाँ पे जो लोग रहते होंगे, यहाँ पे जो लोग रहते होंगे इनके तो अलग ही मज़े हैं, मतलब क्या तो अच्छे व्यू पॉइंट में घर है। यहाँ पे काम क्या करते होंगे, काम करने का मन कहाँ करता होगा। देखो अब घर सामने, ओ हो ये है इस जगह का नाम रूतरबिल बी एन वेन्यू साइकिलिस्ट। अच्छा ये साइकिलिस्ट लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ट्रैक है भाई, चलो अच्छा है। ये तो थंबनेल लाइक फोटो है, बहुत अच्छा है, उम्दा। सो गाइस अब वापस आ गए हैं कैंप स्पॉट पे, अब आज का घूमना फिरना हो गया, अब बस कैंप में ही आराम करेंगे और आगे का प्लान यही है कि अभी कितना बज रहा है, अभी 5:45 हो रहा है, तो आगे का प्लान यही है कि यहीं पे अभी आग वाग जलाएंगे और फिर से खाना वाना बनेगा, बट मोस्टली ये सब वही होगा जो हमने कल रात को भी किया था, तो वो आप पिछले व्लॉग में देख ही सकते हो, या वो आपको पहले देख ही गया होगा, तो अब उसकी दोबारा ज़रूरत नहीं है शूट करने की मुझे लग रहा है, और वो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो अभी बस इतना ही रखते हैं और कल अब अगले व्लॉग में फिर जुड़िएगा, बिकॉज अब कल एक नए डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे और वो हमारा मेन डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हम 3 दिन रुकने वाले हैं, बेसिकली 4 दिन 3 रात, और वो है आपका मेन जो गैस पे लोकेशन है। अब वो यहाँ से और 250-300 किलोमीटर कुछ ऊपर जाना है, तो और वो बहुत बहुत अमेजिंग जगह है, तो आप उसके लिए बने रहना चैनल के साथ, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन चाओ।